नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 1 11 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना संकट के समय में ही बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, जिसका नजारा बेगूसराय जिले में देखने को मिला है। इस दौरान मटिहानी से विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी बने फूल सिंह को बरसाती मेढक करार दिया है। न्यूज 1 11 संवाददाता राजीव से खास मुलाकात के दौरान बोगो सिंह ने अपने काम को लेकर संतुष्टि जताते हुए लोगों के द्वारा एक बार फिर चुने जाने का भरोसा जताया है और कहा है कि 100 लोग उनके सामने चुनावी मैदान में खड़े हो जाएं, लेकिन उन्हें जनता की अदालत पर पूरा भरोसा है, उन्हें ही न्याय मिलने वाला है। दरअसल उनका कहना है कि वो खूब काम कर रहे हैं और उनके काम के बदौलत जनता इस बार उन्हें चुनेगी। वहीं एक सवाल के जवाब में बोगो सिंह ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिलाधिकारी तो बस एसी में बैठकर नाटक करना जानते हैं। क्या कुछ कहा इस खास मुलाकात के दौरान आप खुद देखिए। फूल सिंह के बारे में सुनते हैं जो नाच गान करते हैं बम्बई में, उनके बारे में सुनते हैं, चंदन उंदन करते हैं, दाढ़ी उड़ी रखे हुए हैं, नाच गान करते हैं। और इधर एक आध बेर देखे थे जो बीजेपी के सक्रिय लोग हैं, मटिहानी विधानसभा की जनता और मटिहानी विधानसभा जदयू कार्यकर्ता मूल रूप से चुनाव लड़ते हैं और इनको सपोर्ट ऑल पार्टी के कार्यकर्ता, ऑल पार्टी, आरजेडी के लोग भी सपोर्ट करता है, वामपंथ के भी लोग सपोर्ट करता है और कहता है जो बोगोसन विधायक हमारा विधानसभा में नए बने और नए होता है, अइ लेल प्रचारो हमर करता है सब पार्टी और वोटो हमको देता है। सब नाटक है, ये वो कहावत है जे भादो वाला जो बेंग होता है ना पियर का, टर 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 करता है। अब 3 महीना चुनाव के रहा, अब बहुत रंग के बरतुहार है जो अंगा पेंट सिलाई सिलाई का दर्जी बैठल छे, उज्जर उज्जर कपड़ा चेन लगाए के नया नया गाड़ी पर घूमता, मतदाता से भेंट करता, फिर काउंटिंग खत्म, बात खत्म। यार ये सब चर्चा हमरा भैया मत करो, हमको कोई टेंशन नहीं, स्वागत करते हैं। 100 लोग मटिहानी चुनाव लड़ेगा, हम सबको स्वागत करेंगे, जनता की अदालत में सबको जाने का हक है और हम जानते हैं जो जनता का क्या निर्णय है और जनता क्या करने जा रही है। मेरा अगला सवाल है कि इन दिनों जो आप डीलरों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं और जो पूर्व में आपने जिला प्रशासन आरोप लगाया था कि डीलरों द्वारा कमीशन पूरे सिस्टम में बटा हुआ है, इस पर डीएम साहब का कहना था कि विधायक जी के पास अगर कोई साक्ष्य है तो उनको दें। साक्ष्य डीएम साहब मांगे और डीएम साहब का जहाँ खड़ा है, जिस कुर्सी पर बैठल है वो कुर्सी डोलने लगे। बोगो सिंह के बात काटने, गलत साबित करने का इस धरती पर कोई माय का लाल पैदा नहीं किया। मैं उस आरोप पर आज भी अडिग हूँ, ब्लॉक से लेके जिला होते हुए पटना खाद्य उपभोक्ता विभाग तक शेयर बंधा हुआ है। कोई माय का लाल साबित कर देगा, आज बोगो सिंह राजनीतिक जीवन से त्याग, आज आज। और आपने सवाल किया, इस सवाल का सवाल मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के यहाँ जाएगा और मैं चुनौती देता हूँ जिला प्रशासन को, और एक पब्लिक यदि कह देगा जो उचित रेट पर हमको राशन मिलता है, राजनीति से संन्यास नहीं लिया, तो जिला के लोग समझे, जिला प्रशासन समझे बोगो एक कुत्ता, नाटक करते हैं बैठ के, सी में बैठ के इज्जत करते हैं तो मुंह में फुलौरी लेके चबाते हैं। नाटक बंद कर दें डीएम साहेब, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में पीडीएस खेल रहा है, हंस रहा है, नाटक न मटिहानी में नाटक न। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का, हमारे सवालों का जवाब दिया और जो आरोप इन पर जिला प्रशासन द्वारा लगाया था कि उनके पास अगर साक्ष्य है तो ये साक्ष्य देने के लिए भी तैयार हैं। और जो चुनाव के बारे में इन्होंने बताया कि उनका भी चुनाव, आने वाले चुनाव का फैसला ये नहीं, मटिहानी के मतदाता करेंगे, मटिहानी की जनता करेगी। बेगूसराय से न्यूज 1 11 के लिए राजीव झा। न्यूज 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।